मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में रात से ही बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदियां और नाले उफान पर है। वाटरफॉल शुरू हो गए हैं। तवर डैम का जलस्तर 6.6 फीट तक बढ़ गया है। सबसे ज्यादा राहत मिली है भोपाल और इंदौर को। भोपाल में करीब 22 दिन के इंतजार के बाद सुकून देने वाली बारिश शुरू हो गई है। गुरुवार को रुक रुक कर शहर में बारिश होती रही तो रात को बारिश ने रफ्तार पकड़ी। शुक्रवार सुबह से भी तेज बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। सामान्य तापमान से 2 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में 24 घंटे में 9.7 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि जुलाई का कोटा यहां भी पूरा नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3-4 दिन तक बारिश गिरेगी, कभी रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश होगी। एक और खबर यह है कि 27 जुलाई को भी एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है। अगर यह बनता है तो जुलाई के अंत में पूरे सप्ताह पानी गिर सकता है। भोपाल में 24 घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गुरुवार शुक्रवार को रात का पारा 2 डिग्री लुढ़क कर करीब 23.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने दमोह जिले के पथरिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह जमानत देने से मना कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में गुरुवार को एमपी हाईकोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती है, जहाँ एक अमीर शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के लिए हो और दूसरी आम आदमी के लिए। जस्टिस जीवीआई चंद्रचूड और एम आर शाह की बेंच ने कहा, राज्य शासन गोविंद सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है जबकि वह हत्या के आरोपी हैं। वहीं हाईकोर्ट के आदेश ने भी न्याय की पवित्रता को बनाए रखने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है ताकि जिला न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता प्रभावित न हो। भोपाल में एक हवलदार पर नशे में धुत 6 बदमाशों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मी को घेरकर उसकी पीठ पर चाकू घोंप दिया। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह पूरी वारदात हुई। विजय यादव हेड कांस्टेबल है। कोई फिजा पुलिस के अनुसार गुरुवार रात करीब 12:45 बजे विजय यादव हमीदी अस्पताल के पास पार्किंग में थे। इसी दौरान वहां पर अर्शलम, औसर शाह, हैदर अली, जैद और मुसद्दीर वहां पहुंच गए। विजय ने उन्हें वहां से गाड़ी हटाने को कहा। इसको लेकर आरोपी पुलिसकर्मी से बहसबाजी करने लगे। कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने विजय को घेर लिया। जबलपुर में पति ने पैसों की लालच में महिला को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और झूठ बोला कि उसने खुद को आग लगा ली। महिला की मौत हो गई लेकिन 8 साल की बेटी ने सब कुछ देखा था। उसने पुलिस को बयान दिया जिस पर आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। आरोपी ने ससुर की मौत के बाद सास को पेंशन दिलाने में कोर्ट में मदद की थी। इसमें हिस्सा ना मिलने पर उसने पति को मार डाला। ग्वालियर के डाबरा में सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए एसिड पिलाने के बाद दिल्ली में भर्ती शशि की जिंदगी के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। गुरुवार रात अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। रात भर में उसने किसी से बात नहीं की। इस मामले में आरोपी पति और उसकी भाभी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शशि की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। पीड़िता के भाई योगेश अच्छे इलाज के लिए शिवराज सिंह चौहान से अपील कर चुका है लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। एक दिन पहले पीड़िता बोलने की स्थिति में थी। उसने अपना वीडियो जारी करवाया। इसमें वह बार बार पति पर तेजाब पिलाने का आरोप लगा रही थी। विमानन कंपनी स्पाइसजेट पैसेंजर एयरक्राफ्ट के साथ कार्गो सेवा भी शुरू कर सकती है। राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल से कार्गो सेवा शुरू करने से पूर्व गुरुवार को नागर विमान सुरक्षा की टीम ग्वालियर आई। इस टीम ने यहाँ सामान उतारने और ले जाने की सुरक्षा की व्यवस्था, सामान की जांच के इंतजाम आदि बिंदुओं पर जांच की। टीम शुक्रवार को एयरपोर्ट का जायजा लेगी। इसके बाद टीम सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप देगी। मुख्यालय से मंजूरी मिली तो स्पाइसजेट शुरुआती दौर में पैसेंजर एयरक्राफ्ट में ही कार्गो सेवा शुरू करेगी। एयरपोर्ट अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार सर्वे करने आई टीम कार्गो सेवा शुरू करने के लिए लेकर संतुष्ट नजर आई। गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश के साथ ग्वालियर में भी 23 जुलाई से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसके तहत जयारोग्य चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय मुरार, सिविल अस्पताल हजीरा, डाबरा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीतरवार, मोहना और हस्तिनापुर में शुक्रवार एवं मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। यह जानकारी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र में गुरुवार को जूम ऐप के जरिए आयोजित मीडिया कार्यशाला में भोपाल के स्टेट टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया प्रतिबंधियों को दी। साथ ही में उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि जिले में अब मंगलवार व शुक्रवार को केवल गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे।
जो विद्युत उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाते उन्हें कंपनी अब घर से ही भुगतान की सुविधा देने वाली है। नई व्यवस्था से ग्राहक को बिल जमा करने बिजली दफ्तर नहीं जाना होगा। इस काम की कमान मीटर रीडर या उसके परिजन संभाल सकते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने राजस्व वसूली के काम को गति देने के लिए एक नई व्यवस्था प्लान की है। इसके तहत ग्वालियर व भोपाल रीजन में कोई भी संस्था व्यक्ति बिल की राशि वसूली का काम कर सकता है। उसके पास सिर्फ एंड्रॉइड फोन, इंटरनेट, ब्लूटूथ के साथ प्रिंटर या डेस्कटॉप प्रिंटर की सुविधा होनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को फिर स्कूल की चौखट पर लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तकनीक की मदद ले रही है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों के संग उनके परिवार में 15 साल से अधिक उम्र के अशिक्षित सदस्यों का भी सर्वे एक ऐप के जरिए किया जा रहा है। इस सर्वे के लिए सरकारी स्कूल के हर शिक्षक को मेंटोर के रूप में जिम्मेदारी दी है। सर्वे के दौरान ऐप में व्यवस्था भी रहेगी कि बच्चों के पालकों व परिवारों के 15 साल से अधिक के अन्य सदस्यों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निरक्षरों की चिन्हित भी किया जाएगा। नोडल स्कूल के प्रधान अध्यापक द्वारा 15 साल से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों की सूची तैयार कर इन्हें साक्षर कराने के लिए गांव में शिक्षित महिला या पुरुष को अक्षर साथियों के साथ असाक्षरों की बैचिंग मैचिंग कर गांव में साक्षरता कक्षाओं का संचालन कराकर साक्षरता दर बढ़ाने की कार्य योजना तैयार की गई है। सर्वे 31 जुलाई 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।